हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ क्राफ्टर एसएमसी। जी हाँ गाइस, मुझे बहुत लोगों ने बोला भाई क्राफ्टर लेके आ जाओ। लो भाई लेके आ चुके हैं। आप में से किसी एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि भाई हमारे को बताओ यार कि सोलो T4 रेवेनेंट कैसे मारते हैं। जी हाँ गाइस, मैंने नहीं मारा, पर स्टिल मैं आपको सलाह देने वाला हूँ कि आप लोग कैसे मारने वाले हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको मारने के लिए क्या चीज़ें बेस्ट होती है और कौन सी जगह पर आपको उसके मारना चाहिए। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कैसे मारोगे वो पूरा ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक एंड जरूर कंप्लीट करना, एंड चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बिना टाइम वेस्ट किए चलते प्यार से वीडियो की तरफ को। सो भाई देखो यार, आ चुके हम लोग क्राफ्टर में। आपके कहने के टाइम भाई बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैं आया हूँ। सीरियसली भाई क्राफ्टर पता नहीं कितने टाइम से मैंने बंद कर दिया था। बाय द वे जस्ट मुझे पता है बहुत लोग पूछने वाले भाई आप क्राफ्टर में कौन से टाइम पे ऑनलाइन रहते हो। भाई नहीं रहता, ठीक है, मैं नहीं रहता भाई, मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ही आता हूँ। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम भी मेरा परफेक्ट सेट नहीं होता, पता नहीं कभी भी मैं आके उठा के वीडियो बना के चला जाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज भाई उस चीज़ों पे मत रहना कि भाई ये ऑनलाइन है हम आ जाएंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहता, बट यार ऑब्वियस बात है रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा होता तो बोला आप लोग होते नहीं हो। क्या करें भाई, आप होते हो बट मैं नहीं होता, मैं होता हूँ तब आप नहीं होते। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के भाई अपनी दूसरी आईडी पे चलते हैं जहाँ पे मैंने थोड़ी अच्छी चीज़ें ओपन करके रखी हुई है। पुरानी आईडी तो बकवास है, नई आईडी ओपी है। तो भाई देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ें ध्यान रखनी है ना भाई, वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। रेवेनेंट को मारने के लिए तीन या चार चीज़ बेसिक रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सबसे पहले आपका माना एंड हेल्थ लेवल, सेकेंड आपका वेपन डैमेज, थर्ड आपका आर्मर डिफेंस, सॉरी आर्मर, फिर फोर्थ आपका डिफेंस। ये चार चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको स्लेयर मारना हो तो। ठीक है, पर यहाँ पे आ गए, सब लोगों को पता ही होगा कि अपने फिलहाल पुरानी वीडियो के अंदर हम लोग ने हमारा वुल स्लेयर लेवल 3 क्रॉस आउट कर दिया था, यानी हमारी सिजाम स्वॉर्ड जो थी वो अनलॉक हो चुकी थी। तो भाई देखो यार, T4 जो है वो अननोन है भाई, बंदा मतलब एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं तो अभी नहीं मार सकता बिकॉज आई एम नूबड़ा, मतलब बहुत बड़ा नूब हूँ मैं, सबसे बड़ा वाला, पता नहीं कब प्रो बनूंगा, उसको साइड में रखता है। ठीक है, वो बात की बात है। भाई देखो यार, अगर स्लेयर मारना है सबसे पहली चीज़ लोकेशन आपको बता देता हूँ, वो लोकेशन पर जाके ज़रूर मार देना, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। आपको जाना है डायमंड डायमंड केव बोल दो भाई। ठीक है, यहाँ पे आना है। बस ये जो चाचा है ना ब्लेज वाले, इनको मारते रहो, आपका ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंप्लीट इन द सेंस, आपको जो उसको बुलाने के लिए चाहिए ना वो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। बिकॉज यार गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोग स्लेयर केव में जाते हो ना भाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही BCD होती है, सॉरी ये शॉर्ट फॉर्म है, कुछ गलत मत सोचना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, मतलब वहाँ पे आप लोगों को दूसरे लोग भी ग्राइंड कर रहे होते हैं एंड वो लोग बीच में आएंगे तो आप किल वगैरह नहीं कर पाते, किल वगैरह नहीं कर पाओगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा तो आप कंटाल जाओगे तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये बेस्ट जगह है जहाँ पे अगर आपको कंप्लीट करना हो तो आप आपके फ्रेंड के साथ यहाँ पे आके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, स्लेयर 1, स्लेयर 2 एंड स्लेयर 3 बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बट उसमें भी एक चीज़ याद रखना भाई, स्लेयर कभी भी आपको देख के स्पॉन नहीं होना चाहिए। एक दोस्त जो बलि का बकरा कह सकते हैं, उसको लेके जरूर जाना, उसके सामने स्पॉन करवाना भाई, वो उसको मारता रहेगा, पीछे से उसको मार देना। ठीक है, अब बात करते हैं वेपन्स एंड आर्मर। भाई देखो यार, अब आप बिगिनर हो, ठीक है, आपके पास ये खतरनाक टूल्स वगैरह तो नहीं होंगे। मैं इतने सालों से खेल रहा हूँ, स्टील मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैंने खरीदे हैं तो वो तो चीज़ें नहीं होगी। तो मैं आपको कुछ आर्मर सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आर्मर पहन के आप लोग ये सब जो किलिंग फिलिंग है जो T4 एंड T4 तक जो जाती है वो आप कर सकते हो आराम एकदम तरीके से। तो भाई वो देखो मैं बोल देता हूँ आपको, ग्रोथ आर्मर अच्छा है, वो हेल्थ आपको ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा, बट यार वो इतना ज़्यादा डिफेंस पर खास नहीं है। ब्लेस आर्मर हो गया, फ्रोजन ब्लेस हो गया, इनफैक्ट आप लोग मैगमा आर्मर तक ले सकते हो, उसकी मैक्स हेल्थ 1050 या 1100 तक जाती है, अगर मैं गलत हो तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं अभी खुद नहीं, मैंने मैग्मा आर्मर पहना है, मेरी 961 हेल्थ है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, डिफेंस भी अच्छी खासी वो दे देता है आपको। ठीक है, देन उसके बाद गाइस वेपन्स के अंदर बताऊँ तो भाई देखो यार, दो चीज़ तो आप हटा दो, एक तो ट्यूमर शाफ्ट हो गई एंड फ्रोजन स्नाई थी, ये दो चीज़ की जो स्पेशल एबिलिटीज है वो कुछ काम नहीं करती आपके इस स्लेयर को। ठीक है, लाइक आपका आपकी जो शिप है वो जाके उसको फुटेगी तो भी कोई असर नहीं होने वाली, अगर फ्रोजन स्नाई थी कि आप वो उसे फ्रोजन ब्लेज मारते हो ना वो पुच कर वाली पॉइंटेड, तो भी उससे असर नहीं होगी, तो कोई मतलब का नहीं है। बट हाँ,
एक चीज है कि आप फ्रोजन स्नाइथी से आप डायरेक्ट हिट दे सकते हो उसको विदाउट एबिलिटी, तो वो उसका डैमेज वगैरह आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो अब आप आपके रिइंफोर्समेंट्स आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली कि आप लोग जॉम्बी स्वॉर्ड बना सकते हो, पर जॉम्बी के ऊपर वाला बनाना मेरा मानना है, क्योंकि वो गोल्ड ओरिएंटेड जो भी जॉम्बी स्वॉर्ड है वो ज्यादा डैमेज देती है, ठीक है। और भी कुछ चीजें मैं आपको दिखाता, बट यहाँ पे हमारा ऑक्शन हाउस बंद हो चुका है। बट हाँ एक चीज है गाइस, सोलो आप कभी किल करने मत जाना, आपके कम से कम 3 या 4 मैक्स लेवल फ्रेंड्स होते हैं उनको जरूर रखना, वो बहुत ज्यादा आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सोलो किल तो भाई हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, बट भाई उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मैक्स आउट होना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग स्लेयर 1, स्लेयर 2 एंड स्लेयर 3 पे ही खेलोगे। बट अगर आपको स्लेयर 4 किल करना है ना भाई, आपके कुछ 4-5 दोस्तों को लेके जाना, उससे क्या होगा कि स्लेयर का ध्यान उन पांचों पे रहेगा और आप पीछे से उसको मार सकते हो। इनफैक्ट अगर वो स्ट्रांगेस्ट है, आपके जो दोस्त है वो ही किल कर देंगे और आप लोग आराम से मौज मार सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आसान तरीके थे T4 को मारने के नुस्खे। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ड्रॉप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक 40 का कंप्लीट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस, लेट्स सी यू, चैट एंड बाय बाय।